पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पीते हैं इसलिए उनको ऐसा लगता है, यहाँ शराब बंदी है, चोरी छुपे लोग पीते हैं तो उसका क्या हिसाब है, उनको जानकारी है ज्यादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार में जहरीली शराब कांड के बाद शराब को लेकर जंग छिड़ गई है। कल भी राजद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके जबरदस्त तरीके से जेडीयू पर निशाना साधते हुए जेडीयू का नामकरण कर दिया था और जेडीयू का अर्थ जहां दारू अनलिमिटेड वो बता दिया था। उसके बाद जेडीयू की ओर से भी राजद पर पलटवार करते हुए राष्ट्रीय जनता दल को राष्ट्रीय जहरीला दल बता दिया गया और ये विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए उन पर शराब तस्करी करने के सवाल तक खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, जब ये पूछा गया कि तेजस्वी को ऐसा क्यों लगता है कि बिहार में अनलिमिटेड दारू है, तो वो कहने लगे जरूर वो पीते होंगे या फिर तस्करी करवाते होंगे, इसीलिए उन्हें अनलिमिटेड दारू नजर आ रहा है। बड़ा बयान देते नजर आए तेजस्वी यादव के खिलाफ, क्या कुछ कह रहे थे पहले आप वो सुने। तेजस्वी यादव को क्यों लगता है सर कि यहाँ शराब हमेशा मिलती है और इजी अवेलेबल, लगातार वो हमलावर है बिहार सरकार पर, अनलिमिटेड दारू मिलता है? वो पीते हैं इसलिए उनको ऐसा लगता है, सर यहाँ शराब बंदी है, चोरी छुपे लोग पीते हैं तो उसका क्या हिसाब है, उनको जानकारी है ज़्यादा, तस्करी में लीन रहते हैं या कराते होंगे, इसलिए ऐसा उनको मालूम है। सर उपचुनाव में क्या माहौल देते हैं एनडीए का? चारों सीट एनडीए के सीट निकलेगा और काफ़ी मतों के अंतर से जीतेगा। झारखंड में सर क्या मिल रहा है? झारखंड में अभी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी का जो कार्यकलाप है, जो विश्व स्तर पर उनका नेतृत्व डेवलप्ड हुआ है और आर्थिक दृष्टिकोण से किसानों के लिए, अनएम्प्लॉयडों के लिए जो यहाँ नीतियाँ बनाई है, कार्यक्रम चल रहा है, ये सबसे यहाँ के लोगों को ये उम्मीद बनी है कि भारत का विकास सचमुच में अगर कोई कर सकता है तो नरेंद्र भाई मोदी कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि हम नहीं, वर्ल्ड के लोग कह रहे हैं कि 2030 आते आते भारत संसार का तीसरा अर्थव्यवस्था बन कर रहेगा। तो ये सब सारी बातें प्लस पॉइंट है, जिससे कि झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, दोनों में एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार को स्वराज सौगात मिली, अयोध्या से सीतामढ़ी के लिए रेल लाइन पास हो गया है, अच्छी बात, यही तो चीज़ है, वही है। और फिर आप देखते होंगे कि गुरपा से राजगीर तक के ये है, आप देखते होंगे कि हमारे गया से बॉम्बे का सीधे रेलवे कनेक्शन जुट गया है। ये सारी बात नरेंद्र भाई मोदी जी बिहार के लिए बहुत स्पेशल कर रहे हैं, इसीलिए बिहार में हम समझते हैं चारों सीट निकालेंगे ही। और हमको तो लगता है कि जैसा कहा कि झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार बनेगी। सर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को हाईजेक कर लिया है भाजपा वालों ने। उनको कोई हाईजेक कर लिया होगा, नीतीश कुमार कर लिए थे हाईजेक कुछ दिन। सर परिवारवाद का आरोप लग रहा है आपके ऊपर। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी के नेतृत्व में जीत का दावा करते नजर आए जीतन राम मांझी, तो वहीं दारू की जंग में लगातार जीतन राम मांझी के कई बयान सामने आ रहे हैं। तेजस्वी यादव की ओर से राजद की ओर से जेडीयू का कल नामकरण किया गया था, जिसके बाद से ये बवाल और भी अब लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और इन सब के बीच जीतन राम मांझी का ये बयान सामने आ गया है, जिसके बाद बवाल निश्चित है। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए सीधे कह दिया कि अवश्य वो दारू पीते होंगे या फिर शराब की तस्करी करते होंगे या करवाते होंगे, इसीलिए उन्हें अनलिमिटेड दारू मिल रहा है और अगर कोई चोरी छुपे करता है तो इसमें कोई क्या ही कह सकता है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव एक बार फिर कहते नजर आए थे कि भाजपा वालों ने उनके चाचा नीतीश कुमार को हाईजैक किया, जिसको लेकर पलटवार करते नजर आए जीतन राम मांझी। क्या कुछ कह रहे थे ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।